नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, और इस इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा कुछ कंपनीज के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग्स लेने के लिए, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज में होगा, मेरा कोई भी स्टॉक के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको एज ए एजुकेशन पर्पज में शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा कंपनी है। सबसे पहले मैं जो जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा उसका नाम है डेविस लेबोरेटरीज। देखिए, डेविस लेबोरेटरीज आप सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। क्योंकि देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, करीबन 99,000 करोड़ कंपनी। एक टाइम देखा जाए तो इसका मार्केट कैप ओवरऑल 1 लाख के ऊपर भी, सॉरी 1 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया था। तो अभी देखिए कंपनी थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, तो इसीलिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा कम हुआ। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, अभी देखने कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी कितनी शानदार है। देखिए, कंपनी का 54 के आसपास पी रेशियो है। अगर कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखो तो 26 के आसपास है। अगर इसी चीज को मैं अगर पी रेशियो के हिसाब से कंपेरिजन करूँ तो कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, कंपनी का करंट पी रेशियो आपको देखने को मिला है अराउंड 54 के आसपास, और कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है, 46। इसका मतलब कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है, ऐसे नहीं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का 5 साल की जो एवरेज निकल कर है वो 46 है, और कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो 46 के आसपास है। तो ओवरऑल थोड़ा सा मुझे हाइक देखने को मिला। अभी रही बात कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स का, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी खुद का डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट करते हैं। तो कंपनी बुक वैल्यू के बहुत ऊपर कंपनी 7.77 टाइम्स, इसका मतलब 7.5 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिए, कोई बात नहीं, हर कंपनीज के ऊपर इस तरीके से ट्रेड देखने को मिलता है। तो कंपनीज के क्वार्टरली जो रिजल्ट आया, सॉरी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आने वाला है जल्द से जल्द। मैं आपको डेट भी दिखाऊंगा कौन सा तारीख में रिजल्ट आने वाला है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो मुझे इस कंपनी में एक चीज शानदार लगता है, कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को इंक्रीज करते हैं। हाँ, पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ, कोई बात नहीं, उसमें कंपनी के एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ, उसके लिए कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट हर साल में इंक्रीज करते जा रहा था, और इस बार कंपनी देखिए प्रॉफिट अच्छा खासा तो किया, मगर पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया, पिछले 2 सालों को बीट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, कंपनी के अर्निंग पर शेयर में कोई कमती देखने को नहीं मिला, मतलब ठीक ठाक ही है। कंपनी डिविडेंड भी हाइस्ट डिविडेंड पे आउट 2023 में ही दिया है, और इसके चलते कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑन सीएजीआर परसेंटेज सब कुछ ठीक है। अगर अगर देखेंगे करंट जो ईयर है, इस करंट ईयर में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ ग्लोबली मार्केट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का डिमांड और केमिकल इंडस्ट्रीज का डिमांड कम हुआ है। तो एक कंपनी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं और ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं, तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। रही बात कंपनीज के बैलेंस शीट का, ये पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि ये 2012 में कंपनी का सिर्फ 2 2000 करोड़ का रिजर्व था, और अभी वो रिजर्व बढ़ के हो चुके 12,000 करोड़, मतलब 10 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स नहीं कहूंगा, 5 टाइम्स कंपनी यहाँ पे ग्रोथ किया है, 6 टाइम कंपनी ग्रोथ किया है। तो कंपनीज के जो बोरिंग्स मतलब कर्जा जो है 55 करोड़ के आसपास कर्जा था, कंपनी उसको धीरे धीरे करके कम करके सिर्फ 3 करोड़ तक लेके आए, 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, जहाँ पे सिर्फ 3 करोड़ का कर्जा। इसका मतलब कंपनी में मैनेज कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए, मैं उस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ जिस कंपनी का कर्जा नहीं है, जो हाथ में खुद खुद के पैसे से कंपनी बिजनेस कर रहा है। और कंपनी के देखिए CWIP के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार 200 करोड़ के आसपास प्रोसेसिंग में फंसा कर रखा पैसा, जो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में दिखेगा, 4,700 करोड़ से बनेगा, यहाँ पे 5,000 करोड़ यहाँ पे कंपनी बन जाएगा फिक्स एसेट। तो कंपनी की इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ वो भी देखना इंपॉर्टेंस है। देखिए, कंपनी के इस बार ट्रेड रिसीवेबल में 1700 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ, और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात करूँ तो हाथ में कैश कितना है, 4200 करोड़ के आसपास कैश इक्विवेलेंट देखने को मिला, और इन्वेस्टर मतलब कंपनी के शॉर्ट टर्म लोन्स में कोई भी लोन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी हर दिशा में पॉजिटिव है, जिसलिए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर पहले भी जितना होल्डिंग्स रखे थे आज भी उतना होल्डिंग है, छोटा मोटा स्टेक बेचा है, ऐसे नहीं कि पूरा माल बेचकर भाग गया, हर किसी के पास इसका होल्डिंग सबको दिखेगा, चाहे वो FIs हो, चाहे वो DIs हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्रोमोटर हो। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलता है और पॉजिटिवली थिंकिंग भी लगते हैं, क्योंकि इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था, किस बेसिस में किया था वो पहले समझिए। देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, एक बार, दो बार,
3 बार, यहाँ पे 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार इसको रिटेस्ट किया, और 7 टाइम जब रिटेस्ट किया तब इसने ब्रेकआउट किया। और जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, जब इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ था, मैं आपको बार बार बोला था कि मुझे ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लेना है, मुझे रिटेस्ट में एंट्री लेना है। तो रिटेस्टमेंट मतलब यहाँ पे देखिए, रिटेस्टमेंट इस कैंडल ने रिटेस्टमेंट दिया, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स था, प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, उसको भी कंपनी ब्रेकआउट किया और हाई वॉल्यूम के साथ। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और मैंने आपको टारगेट बताया था कि दो टारगेट्स यहाँ पे बन रहा है। फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे है 3,500 के आसपास, और सेकेंड टारगेट जो बन रहा है 3,830 के आसपास। तो मैंने इस 3,830 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, जो मैं आपको टेलीग्राम के में भी मेंशन किया था, और मैंने आपको वीडियो भी बना के बताया था कि मेरा एक्चुअली टारगेट रहेगा इस लेवल में। क्यों टारगेट लिया था मैंने वो भी मैं बता दूं, क्योंकि इसी लेवल्स को कंपनी देखिए ऊपर जाने की कोशिश तो किया था, मगर उसके बाद देखिए बिग क्रैश। इसका मतलब यहाँ पे बायर से कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव था, तो सेलर जहाँ पे एक्टिव है वही इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था। तो रेजिस्टेंस तक वो जरूर जाएगा, ऐसे मुझे एक अंदाजा था। देखिए 100% श्योर नहीं था, क्योंकि 100% कोई भी स्टॉक के ऊपर कोई भी श्योर नहीं हो सकता, उसको हमेशा प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ेगा। तो मैं प्रेडिक्शन करके जो मेरे डेटा आपके सामने में रखा था वो एज ए एजुकेशन पर्पज में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर आप जो ट्रेड देते हैं बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं, तो क्या इस ट्रेड में इस तरीके से ट्रेड में कंटिन्यू करूं? ऐसे में आपको नहीं कहूंगा कि आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये आपके हाथ में है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि इसके ऊपर बाय करिए, उसके ऊपर सेल करिए। मेरा काम है आपको सिखाना, जानकारी देना। आप सीखकर काम करेंगे तो आप खुद कंपनीज को फाइंड आउट कर पाएंगे, और आप खुद काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स के ऊपर बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि आरती ड्रग्स बायबैक ले आने वाले हैं, तो इस बायबैक के ऊपर माल बेच दूँ। तो क्या आपकी जो बात है वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप माल बेचेंगे कि रखेंगे, क्योंकि आप एज ए ट्रेडर्स हैं तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। अगर कंपनी बायबैक लेके आ रहा है तो किस बेसिस में लेके आ रहा है वो देखना जरूरी है। देखिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है, 58.7%। फिर भी प्रोमोटर के होल्डिंग्स इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या, प्रोमोटर ने क्या किया, बायबैक लेके आ रहा है। तो बायबैक का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अगर मैं इसी जगह पे आपको बायबैक के डिटेल्स के बारे में बात करूं, देखिए 4 तारीख को यहाँ पे बायबैक का अनाउंसमेंट किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेंडर ऑफर, मतलब टेंडर ऑफर किया गया आपको, और वो भी बायबैक के लिए, कितना, 59.85 करोड़। तो अभी ये बात समझिए बायबैक क्यों लेके आते हैं कंपनी। इस बार देखिए ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बायबैक लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, जिसके बेसिस में कंपनी का शेयर अगर मेरे पास ही रहे तो मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए देखिए कंपनी इस बार 900 रुपीज में आपको बायबैक देने वाले हैं। तो करंट प्राइस कितना है, करंट प्राइस जो देखने को मिला करीबन 570-75 के आसपास। तो सोचिए 900 रुपए मान के चलिए, यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया और आपको 900 रुपीज के आसपास यहाँ पे बायबैक का फायदा मिलेगा। तो बायबैक सबको नहीं मिलेगा, तो आप बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। ऑफर अमाउंट कितना है, 59 करोड़ के आसपास, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, इतने शेयर्स, मतलब 6,65,000 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे बायबैक के हिसाब से वो खरीदारी करेंगे। तो मतलब प्रोमोटर खरीदारी करेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से बायबैक का प्राइस रहेगा 900। बीसीएस एनएससी दोनों में ही आपको बायबैक मिलेगा। तो जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पॉइंट्स आपको देखना बहुत जरूरी है। बायबैक का क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट हो चुके 9 तारीख से, और क्लोजिंग डेट रहेगा 17 तारीख। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या बायबैक के लिए मैं अप्लाई करूँ? देखिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडर है कि आप इन्वेस्टर है। एज ए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बायबैक के लिए देखना नहीं है, क्योंकि आप बायबैक के लिए अप्लाई करेंगे, आपको बायबैक मिल गया तो आपको तो माल बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एज ए आप ट्रेडर के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका ओपिनियन है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप बायबैक के लिए मत अप्लाई करिए, क्योंकि आपको बायबैक के अप्लाई करने का क्या जरूरत है, क्योंकि आपको माल बेचना ही नहीं है तो आप बायबैक करके क्या करेंगे। तो अगर आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहूंगा, क्योंकि ड्रग्स इंडस्ट्रीज फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी से ड्रग्स में नहीं, कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं एपीआई, तो एपीआई प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशलिटी जो केमिकल्स के है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी को फ्यूचर में डिमांडेबल होगा उसके ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कंपनी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इतना कंपनीज का पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल के हिसाब से मैं कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए रहना चाहता हूँ। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली देखिए इंक्रीज हुआ,
एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया तो पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास प्रॉफिट हुआ। जब कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का प्रॉफिट हर साल पॉजिटिव में रहा हुआ है, और उसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट में देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, कंपनी के कर्जे से भी डबल रिजर्व हो चुके हैं, कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़ा, और कंपनी देखिए CWIP इस बार कंपनी 160 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगा के रखा, जो प्रोसेसिंग में चल रहा है, जो पैसा उस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में दिखेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हर जगह पे आपको देखने को मिला है, और जहाँ पे आपको कंपनी ट्रेड रिसीव किया, इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, 800 करोड़ का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, मतलब ट्रेड रिसीव किया, उस ट्रेड से कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट और ग्रोथ मिलने वाला है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप कहेंगे सर FIS ने तो माल बेचा, DS ने तो माल बेचा। DS ने माल नहीं बेचा, DS ने माल खरीदारी किए। FIS ने भी माल नहीं बेचा, FIS ने भी माल खरीदारी किए। पहले कितना था वो भूल जाइए, अभी फिलहाल के लिए क्या है वो देखिए। तो प्रोमोटर खुद खुद का होल्डिंग्स बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर सब कुछ पॉजिटिव में हो रहा है तो उस कंपनी के ऊपर डरने वाला कोई बात नहीं है। बाकी फिर भी आपका राय अलग हो सकते हैं, मेरे राय कुछ अलग से है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना, लॉन्ग टर्म के लिए रहना, वो आपके हाथ में है। तो कंपनीज के ऊपर रिजल्ट आने के बाद एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो जर्नी बना वो जर्नी कुछ इस तरीके से है। मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट ट्रेड, बड़ा सा ट्रेड बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना, उसके बाद मुझे एक सॉरी एक कप बना, उसके बाद एक हेड सोल्ड मतलब हैंडल बनेगा। तो इस कप विथ हैंडल पैटर्न जब क्रिएट होगा तो बड़ा सा एक रैली मुझे देखने को मिलेगा। फिर भी स्टेप वाइज अगर रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप काम करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके दिया हूँ, इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत बार मुझे कमेंट्स आते हैं, सर इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे चीज़ बोला जाता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में इस कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो गोल्ड मतलब गोल्ड का जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया में और कोई कंपनी इतना नहीं कर पाता। टाइटन आज इंडिया का नंबर वन कंपनी है, देखा जाए तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में, और भी अलग अलग सारे बिजनेस है। तो फिर भी इस कंपनी का ग्रोथ और भी ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ सकता है, क्योंकि गोल्ड का डिमांड हमेशा है और हमेशा रहेगा। क्योंकि आपको ये भी कभी भी सुनने को नहीं देखने को मिला कि गोल्ड का प्राइस गिरते जा रहे गिरते जा रहे और सस्ते में आ गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता जाएंगे और इस कंपनी का भी फायदा मिलता जाएगा, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट माइनिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं। तो तीनों काम और एक्सपोर्ट भी करते हैं, चारों काम एक साथ कंपनी अकेला ही करते हैं। तो जहाँ पे इतना पोटेंशियल है और कंपनी के वैल्यूएशन इतने सस्ते में है, जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी तगड़ा है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार आया, सब कुछ अगर पॉजिटिव में है, हर दिशा में अगर सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखे तो वहाँ पे डरने का क्या बात है। तो डरने के लिए आपको डरेंगे तो आप मतलब आप तो डर के बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि कंपनी खराब है, कंपनी से निकल जाओ। देखिए अगर मार्केट कंपनी में खराबी होता तो FIS और DIS इतना दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर इतना होल्डिंग्स को होल्ड नहीं करता, पहले से माल बेचकर भाग जाता। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कंपनी में हर दिशा में पोटेंशियल है, जब कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी सब कुछ ठीक ठाक है, बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो जहाँ पे कर्जा एकदम कम हो चुके हैं और रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उस कंपनी में ग्रोथ तो पोटेंशियल होने का चांसेस है। क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मेरे हिसाब से एक बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने एक रेंज के हिसाब से मैं ट्रेड बहुत बार ले चुका हूँ और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। यहाँ पे कंपनी टच करने के बाद देखिए एक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, और यहाँ पे क्या फोर टाइम, और यहाँ पे फिफ्थ टाइम्स कंपनी यहाँ पे क्या किया, कंपनी का टारगेट अचीव किया, और देखिए फिफ्थ सिक्स टाइम कंपनी फिर से वही रेंज को टच किया, और मेरे हिसाब से इस लेवल को थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए वॉल्यूम देखिए किस तरीके से इस नीचे लेवल्स में बाय किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे सेल किया जा रहा है? अगर इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ सेल होता तो यहाँ पे बिग क्रैश देखने को मिलता, ऐप से कोई भी सेल्स नहीं है यहाँ पे। हाँ जितना बायर्स है उतना उससे सेलर ज़्यादा है, फिर भी बायर्स इतने बड़े अच्छी तरीके से बाय कर रहे हैं क्योंकि उसको ऊपर पुश जरूर करेगा। देखिए मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एनालिसिस है, आपका एनालिसिस अलग हो सकते हैं, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इतनी बार जिस कंपनी एक ही रेंज में टारगेट दिया, मैं ऑब्वियसली यहाँ से करंट प्राइस से अगर मैं करंट प्राइस में मैं तो ऑलमोस्ट बाई कर चुका हूँ, तो इस लेवल से अगर टारगेट तक मिले तो 43% का गेन मिल सकता है। अगर मान के चलिए एक साल में भी 43% का गेन मिला तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता।
बाकी आपका जो डिसीजन है मुझे जरूर कमेंट्स करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड एक ऐसे कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, हर 2 शेयर में सॉरी 2:3 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया, हर 3 शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, एक रिपोर्ट के माध्यम से ये सारे चीज़ दिखाया गया था। तो मैं जरूर कहूँगा जल्दबाजी मत करना, जब बोनस आएगा तब सोचेंगे, फिलहाल के लिए कोई भी बोनस का फाइनली डेट नहीं आया, फाइनली अनाउंसमेंट नहीं आया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो सारे कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ वो एज एजुकेशन पर्पज़ में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।